कौन सा एक्टिंग था आपका? मुझे नहीं पता, बस एक गाना फेमस हुआ था लाल का, देख के सीख लिया। टीवी पे देख देख के सीख लिए। अभी इस वक्त मैं देश के विश्व विख्यात थिएटर शोभा सम्राट में हैं। इसमें है एक लड़की है जो कि सोनपुर मेला से ही काफ़ी वायरल चल रही है, एकाएक ये वायरल हो चुकी है, तो हम उसी से मिलने आए हैं यहाँ सिंहेश्वर मेला में। ये हमारे सिंहेश्वर मेला में अभी आ चुकी है, तो आइए इनसे जानते हैं और बात करते हैं कि कैसे क्या कैसे वायरल हुई और कैसे इस थिएटर में ये आई और क्या इनका जिज्ञासा है कि इन्होंने अपना थिएटर में काम करना शुरू की। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है, बोलिए आपका क्या नाम है? काजल। जोर से थोड़ा काजल। इनका नाम काजल है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। ये दिल्ली की रहने वाली है और ये कब से इस थिएटर में आप काम कर रहे हैं? 3 महीना। हाँ, 3 महीना। 3 महीना से ये काम कर रही है, मतलब फर्स्ट टाइम सोनपुर ही आई थी आप? जी। ऐसा क्या आप किए जो एकाएक उस सोशल मीडिया पे आप सोनपुर से वायरल होने लगे? ऐसा कौन सा एक्टिंग था आपका? मुझे नहीं पता, बस एक गाना फेमस हुआ था लाल घाघरा, उस पर हुई। हाँ, लाल घाघरा गाना हुआ था, उस पर हुई। लाल घाघरा गाना पे ये वायरल हुई थी, मतलब आप खुद से डाले थे या कि कोई और डाला था? ऑडियंस डाला था, वहीं से आप वायरल होने लगे, तब आपको पता चला कि हम वायरल हो रहे हैं। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत भी हो रहा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें जो आप स्टेज पे काम करते हैं तो सोनपुर में जो ऑडियंस आते थे और यहाँ सिंहेश्वर में जो ऑडियंस आते हैं, ये दोनों में कोई अंतर बताइएगा? कोई अंतर नहीं है, सब सही है। सब सही है, मतलब यहाँ का जनता सही है, यहाँ जो ऑडियंस आते हैं, दर्शक आते हैं, वो कोई तरह का हरकत उरकत तो नहीं करते हैं? नहीं, कोई कुछ नहीं करते। नहीं करते हैं, बहुत अच्छा लगा। यहाँ जो भी आते हैं, अच्छे अच्छे व्यक्ति आते हैं देखने के लिए और अपना देखते हैं, तो आप इससे कितना इनकम आपका हो जाता है ये बता सकते हैं? कोई फिक्स नहीं है। फिर भी अप्रोक्स? ये नहीं पता मुझे, ये भी भाई नहीं बता सकता। ये नहीं पता है, मतलब रोज़ के कभी कितने मिलते हैं, कभी कितने ही है, मैं नहीं बता सकती हूँ। महीने में हो जाते हैं 50-60 हज़ार। महीना 50-60 हज़ार का ये कमा लेती है। सुने थे कि आप इससे पहले बिहार पुलिस में जाने वाले थे, ये खबर सच है कि ऐसे वायरल चल रहा था? जी सच है। सच है, बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसमें मूव कर गए? बोलिए बोलिए। कुछ नहीं हुआ। तो फिर इसमें आने का मन कैसे हुआ? बस मेरा मन कर रहा था, मुझे डांस का शौक था, तो मैं आ गई। पहले से डांस का कहीं क्लास व्लास भी किए थे? क्लास नहीं की थी, बस डांस का शौक था बचपन से। सीखे कहाँ से डांस? डांस खुद ही आ गया। हाँ, टीवी पे देख देख के सीख लिया। टीवी पे देख देख के सीख लिए और फिर इसमें आ गए? जी। अच्छा, घर वाला का सपोर्ट है? हाँ, सबका सपोर्ट है। सबका सपोर्ट है। तो घर घर कितना दिन पे जाते हैं? 2 महीने जाते हैं, 3 महीने, 4 महीने। जैसे सोनपुर से मेला टूटा तो फिर उसके बाद कहाँ गए थे आप लोग? गोविंद सर। वहाँ पर गोविंद सर। अच्छा, वहाँ के बाद फिर घर नहीं गए, फिर यहाँ सिंहेश्वर? गोविंद सर के बाद घर गए थे 1 महीने के लिए, फिर यहाँ पर आई। अब यहाँ पर 2 महीने रुकेंगे सोनपुर, यहाँ सिंहेश्वर में 2 महीना? 1 महीना यहाँ और 1 महीना राजगीर। इसके बाद राजगीर जाने वाले हैं। तो दोस्तों, जो इनको सोनपुर में देख रहे थे, वायरल देख रहे थे सोनपुर से, अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आइए शोभा सम्राट सिंहेश्वर में, अपना सिंहेश्वर में लगा हुआ है, यहाँ आके अपना आनंद उठाइए, इनका कला को देखिए और इनको प्रोत्साहित कीजिए। आप देख रहे थे फिलहाल द सर्च इंडिया न्यूज़। आगे फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।